क्या एक बार फिर से आरजेडी का एक तरीके से कहें तो आरजेडी को नीतीश कुमार ने बचा लिया है, क्या एक बार फिर से तेजस्वी और लालू यादव की केंद्र की सियासत में वापसी करवा देंगे नीतीश कुमार। अगर आप इसे तमाम मीडिया हाउस के सर्वे के अनुसार देखें तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से विधानसभा में सरकार बनाने में तेजस्वी की वापसी नीतीश कुमार ने कराई, भले ही वो चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आरजेडी उभरी लेकिन सरकार से दूर रही, नीतीश कुमार ने पलटी मारा, नीतीश कुमार ने पाला बदला और पाला बदल कर जब वो महागठबंधन के साथी बने तो तेजस्वी फिर सत्ता में आ गए और तेजस्वी अब उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बात फिलहाल आरजेडी पार्टी की, 2014 के चुनाव में आरजेडी के एक भी सांसद चुनाव जीत नहीं पाए, बहुत बुरी हार हुई उनकी। लेकिन अब जो सर्वे के रिपोर्ट बताते हैं कि बिहार में इंडिया को सीएनएक्स के सर्वे के अनुसार 16 सीटें आ सकती हैं, लेकिन इन 16 सीटों में से जेडीयू को 7 सीटें, आरजेडी को 7 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें आ सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर आरजेडी को यहां पर 7 सीटों का फायदा होने वाला है, यानी कि ये 7 सीटें जो पिछली बार जिन 7 एक भी सीट पर आरजेडी चुनाव नहीं जीत पाई थी उन सीटों पर इस बार तेजस्वी यादव की पार्टी लालू यादव की अगुवाई में चुनाव जीत सकती है। लेकिन इसे आप अगर दूसरे तरीके से देखें तो ये भी कहा जा रहा है, राजनीतिक पंडित इसे ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से आरजेडी को नीतीश कुमार ने बचा लिया है, क्योंकि लोकसभा में शून्य पर पहुंच चुकी आरजेडी को एक बार फिर से जब इंडिया में वो भागीदार बने और नीतीश कुमार उनके साथ हैं तो इस बार फिर से आरजेडी के 7 सांसद लोकसभा पहुंच सकते हैं, यानी कि 7 सांसदों का खाता खुलेगा और पार्टी के सांसद लोकसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन बड़ी बात ये भी है जो लगातार बीजेपी कह रही है कि जब ऐसे मौके आए कि तेजस्वी और लालू यादव खत्म होने की कगार पर आए तब तक उनका राजनीतिक उभार नीतीश कुमार ने ही किया, और इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही होगा जब इंडिया के तहत जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस बिहार में एक साथ चुनाव लड़ेगी तो 7 सीटें जेडीयू के खाते में आएंगी जो कि 2014 के चुनाव में 16 सीटें थी, वहीं आरजेडी के खाते में भी 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और 2 सीटें सीएनएक्स के सर्वे ने कांग्रेस पार्टी को दिया है जो कि 2014 में सिर्फ 1 सीटों पर कांग्रेस की पार्टी चुनाव जीतेगी। तो अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से तेजस्वी और लालू यादव की अगुवाई में आरजेडी के 7 सांसद चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इनके जीत के पीछे की बड़ी वजह नीतीश कुमार होंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।